हर हकीकत गुमा से मिलती है, सस्ती चीनी कहाँ से मिलती है? पहले मिल जाती थी कभी यारो, सब्सिडी अब कहाँ से मिलती है? हाल है बिगड़ती जा रही, तभी तो आ रहे हैं वैसे चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? जी बिल्कुल ठीक सर। आप कैसे? फिर काला कोट सर, बड़ा जचता है। क्या करूं? आए 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 भाईजान से दुख का इजहार करें। क्यों? दो दिन हॉस्पिटल में रहे, याददाश्त चली गई थी। हैं? नहीं उन चीजां भूल जाते ने वासे भाई की। कौन सी? इस तरह के बंदे जहाज बह के याद होंदा होए मैं वीजा ते लवाया ही नहीं। एक घंटा ना ही मोटरसाइकिल नूं किक्का मार दे रहे, बाद च याद आया इहदे ते पेट्रोल ही नहीं है। अच्छा, इस तरह का बंदा समंदर च छाल मार के सोचता कि तैरना ते मैनूं आउंदा नहीं। इस तरह का बंदा कुंडा खड़का के बाद च याद आउंदा कि इह साडा घर ही नहीं। इस तरह का बंदा ब्याह ते 15-20 हज़ार सलामी दे के बाद च सोच रहिंदा इहनां ते मैनूं बुलाया ही नहीं सी। बुलाते हैं आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब मोहम्मद अरशद मलिक। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल मारिया यूसुफ। शो जी, आखिरकार मारिया यूसुफ जी आ ही गई। और एक बड़े प्यारा में शेर लाया हूं जी, जी। मलक अरशद साहब जी, इरशाद। पिछले दिनों सड़कों पर और चौराहों में, बाजारों मैदानों में पीडीएम के लाताद जलसों और जलूसों ने धूम मचाई थी। धूम मचाई थी। देखने वाले घरों के अंदर टीवी पर, सेलफोनों की स्क्रीनों पर नारेबाजी और तकरीरों की बारिश में खूब नहाए थे। जोर की इस बारिश के बाद अब कौन सा बादल गरजेगा? दुनिया लुट के खा गए बंदे, दुनिया लुट के खा गए बंदे, फिर भी नेक अखवागे बंदे, धरती उत्ते टिकदे नहीं सी थल्ले किंज समागे बंदे। उस बेवफा को जाके कोई क्यों नहीं समझाता है, अरे वाह, उसकी याद में कोई खून के आंसू बहाता है, मैं उसे इस तरह सोचता रहता हूँ कैसर, जिस तरह गरीब के दिल में पराडो का ख्याल आता है। जी मलिक साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? बड़ा करम से। मलिक साहब, शो देखा हुआ है आपने? बहुत दफा देखा है जी। अंदाजा तो है ना, फिर सुबह शाम आपको ही देखते हैं। सुबह शाम आप मुझे ही देखते हैं? आपको ही देखते हैं। मैं कौन सा इमरान खान हूँ? आप लोग हर वक्त उनको देख रहे होते हैं। इमरान खान तो पब्लिक नहीं देखते। नहीं पब्लिक नहीं, आप लोग देखते हैं? नहीं, हम भी नहीं देखते। हमें तो आपका कह रही तो सिर्फ आवाम को देखते हैं जो पिस रही है, जो इस जुल्म की चक्की में और इस महंगाई की चक्की में पिस रही है, हम उस आवाम को देखते हैं। और उस आवाम के अंदर आपको मैं भी नजर आता हूँ जो कि पिसा हुआ हूँ। आप तो उसी में शामिल हैं। आप वही बंदे हैं जिसको मैं पतला नजर आ रहा हूँ। आपके क्या हाल है मैडम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने भी शो देखा हुआ है? जी बिल्कुल। तो आपको अंदाजा है? बहुत अच्छे तरीके, बहुत अच्छी तरह, जबरदस्त। यानी कि दोनों पार्टियों को अंदाजा है, आप लोग खुल के करें जी। मलिक साहब, क्या हालात चल रहे हैं आजकल? आप लॉलेसनेस देख लें, इसका महंगाई देख लें, आप इस गवर्नमेंट की के पास कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई यार्ड स्टिक नहीं है। तो अब जो गरीब आदमी है, जो मजदूर है, या जो भी कोई बंदा है, आवाम है, इस वक्त वो परेशान है। आप एग्री करती हैं मैडम कि महंगाई बहुत होगी? बहुत महंगाई होगी, बहुत महंगाई होगी है ना? बहुत ज्यादा। और इफेक्ट हो रही है एवरीडे लाइफ? जी बिल्कुल, हर एक इंसान पे हो रही है, हर एक इंसान पे हो रही है। आप वोट कास्ट करती हैं? करती हूँ बिल्कुल। और आपने जिनको किया वो जीत गए थे, हार गए थे? हार गए थे। हार गए थे, ठीक है। तो अब आप दोबारा तैयार हैं वोट कास्ट करने के लिए अगले 2 साल में? हाँ जी बिल्कुल। ओए होए, ये सर
ये हमें ब्रॉडकास्ट के हम ही आ रहे हैं। नहीं, पीपल्स पार्टी वाले भी थे बीच में। नहीं 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 नहीं, नहीं। अच्छा नहीं, उन्होंने क्लियर कर दिया साथ नून लीग की तरफ से, और ये इनका ताल्लुक भी लाहौर से है। आप चौर साहब इंशाल्लाह देखेंगे और आपको साबित हो जाएगा अब तो कि अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग को इतने वोट पड़े हैं कि वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जीती हुई जमात थी, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह वोटों से हम जीते हुए थे। सर पहले तड़ियां गल्ला सानू झूठियां लगदी हैं, हुण सच्चियां लग रही हैं। नहीं, वो पहले असल में नया नया वक्त था ना जी, तो आप सब लोग ही ना नया पाकिस्तान बनाने चल पड़े थे। असी नहीं जनाब, मैं कहना मिस्त्री दा मुंडा। अब आपको पता चल गया कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वही है जिसको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया, और वही एक ही पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, एक ही पाकिस्तान। वाह वाह, तुसी पेट्रोल सस्ता करा दोगे? सस्ता हो केड़ा, पंप ते लगे ने। मैं गड्डी लेनी, मैं फिर उदो ही लवां ना नॉन लीग दा ही आवे। नहीं, तू अजे साइकिल ते ठीक है, 3 घंटे च पहुंच जाना, इजी रहदा। ये इनका मशवरा ठीक है, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। देखिए आप दोनों ध्यान से बोले, आज दो नून लीग के यहाँ पे आपको बंदे मिल गए। सर हम भी नून लीग के। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सर। जेड़ा भी उधर बैठा है ओदे नाल वोट किसको देना है इस बार? मेरा तो नून लीग का वोट है पक्का। अच्छा जी, मैं कनाडा गया था जब जब पिछला इलेक्शन था, नून लीग का वोट डालने, क्योंकि वो तो जिथे भी पाईदा सी नून लीग ते निकलदा सी। मैं आपको ये बात बता दूं जी कि जैसे इन्होंने फरमाया ना जी कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको घर घर से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वोटर सपोर्टर निकला नजर आएगा। मगर मलिक साहब, बात यह है कि ये तो आपकी बात चलें ठीक है, हम सही अज्यूम कर लेते हैं, मगर ये 2017 के अंदर भी हमने सुनी थी कि 2018 के इलेक्शन में ऐसा ही होगा, मगर अगर कहीं दोबारा 2023 में रिजल्ट आपके फेवर में ना आया तो फिर क्या होगा? फिर सिलेक्टेड और इलेक्टेड वाला मसला वो हो। अच्छा, क्या मसला आएगा या नून लीग आएगी? रिजल्ट आएगा। अच्छा, रिजल्ट आएगा और फेवर में आएगा इनके, आप कहना चाह रही हैं? तो मियां साहब भी आएंगे। चौर साहब, अवाम इतनी सताई हुई है, और अवाम ने वो जो एक धोखा था और जो इनका एक डकौंसला था और एक नए पाकिस्तान बनाने पर चल पड़े थे। मलिक साहब, इस पर सवाल ये उठता है कि आप खुद मान रहे हैं और आप बारहा माने हैं कि लोग तब्दीली के नारे पे गए और जो भी उस वक्त वोटर का एक जो था इंक्लिनेशन उस तरफ हुई सर, मगर ये वक्त आया क्यों? ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ कि वो वोटर जो था उसको किसी ने आके कहा कि भाई मैं तब्दीली दूंगा? क्या वो पहले इतना आजिज आया हुआ था कि वो तब्दीली का एक नारा सुनते ही उन्होंने कहा हाँ हाँ यार ये बंदा सही कह रहा है? तो आपको लगता है कि कहीं ये सवाल भी करने की जरूरत है कि ये मौका आया ही क्यों कि कोई बाहर से आके कह दिया किसी ने तब्दीली और ये दो सिस्टम नहीं चाहिए? चल सर, मैं आपको बताऊँ जी, हर बंदे के अपने अपने अजम्पशन और हर बंदे के अपने अपने थिंकिंग है। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी कौम का अलमिया है कि जो बंदे करंट पोजीशन में बैठे होते हैं ना, उनसे थोड़े बहुत है वो चाहते हैं कि शायद ये बंदे ठीक नहीं हैं, इनमें कैलिबर नहीं है या कैपेबल नहीं है, और वो सेकंड जो अभी आ नहीं रहे होते या कोई इन पाइपलाइन में होते हैं, वो चाहते हैं, समझते हैं कि शायद ये आएंगे तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। ये हमारी कौम का अलमिया है। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, वैसा हो गया था। आप नून लीग को मुर्गी कह रही हैं? लेकिन देसी के थोड़ी सी इज्जत रह जाएगी। तो इस कौम ने आपके सामने देख लिया, यकीन करे कि साहिवाल में महंगाई मार्च के खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया और अवाम इतनी थी चौर साहब साहिवाल में, और छोटी सी शॉर्ट कॉल पे हजारों की तादाद में औरतें बच्चे मर्द बूढ़े सब निकल आए कि उन वो सताए हुए हैं बेचारे, कहते हैं घर जाएं तो घर में बेचैनी है, बाहर आए तो बाहर महंगाई है और कोई सिस्टम ही नहीं है, लॉलेसनेस है, सारा सत्यानाश है सिस्टम का चौर साहब, और कहीं पर भी कोई डिवेलपमेंट देख लें। मैं कल एक वो पढ़ रहा था, मैसेज था व्हाट्सएप पे कि इस गवर्नमेंट की बदकिस्मती ये है कि इन्होंने अगर बिलियन ट्री लगाने हैं ना सर, तो आप वो चेक कर लें, वो 2028 में मुकम्मल होने हैं। अगर इन्होंने अंडरपास बनाया ना जी, वो 2027 में मुकम्मल होना है। जो भी इनका मंसूबा है ना जी, वो 2022 में किसी की कंप्लीशन नहीं है, 2028-2030 यानी इनका ख्याल है अगले पांच साल भी ये उसी टेन्योर में ये लेना चाहते हैं। ये बदकिस्मती है इनका, ये जो करंट गवर्नमेंट है जहां पे ये हम आज बैठे हैं, इनका कोई भी एक मंसूबा बता दें जो ये इस करंट गवर्नमेंट में जो 2022 तक है
सर महंगाई उन्हों का मनसूबा ही है अगर डेंगू कंट्रोल नहीं हो रहा उन्हों का मनसूबा और तुम्हें की चाहिए काम एक हुकूमत में तो पॉसिबल होता भी नहीं है। अब जरदारी साहब के क्लिप देखे उन्होंने कहा मैंने इस काम की शुरुआत की वो एक पूरी उनके उनका इंटरव्यू है वीडियो यूट्यूब पे बाद में वो उनके नाम लग गया फिर नून लीग कहती है हमने ये शुरुआत की बाद में ये तो चलता ही रहेगा फिर हुकूमत की टाइमिंग 10 साल कर देनी चाहिए हुकूमत की टाइमिंग ही 10 साल कर देनी चाहिए। ये नया सर एक आया है मार्केट के अंदर हो तो पूरा तो हो के हुकूमत ही 10 साल की होनी चाहिए आप इलेक्शन लड़े और फिर आप अच्छा है दो बार खर्चा क्यों करें 5 साल बाद उन्होंने 2 साल नहीं निकलन दे तो 10 साल करेंगे बात भी सही है। वैसे आप मारिया क्या सबसे ज्यादा मिस करती हैं पिछले दौर हुकूमत के बारे में? मुझे ही करती हूँ क्योंकि मैं नून लीग में था ना काउंसलर इस तरह तो बहुत थे मगर आप क्या करती हैं? काफ़ी चीज़ें हैं जैसे महंगाई है सबसे ज़्यादा तो जो कि पहले मुझे लगता है इतनी नहीं थी थी लेकिन इतनी नहीं थी और अब उतनी ज़्यादा है। हर इंसान तंग है सब तंग है सिर्फ वाहिद महंगाई का आपको इशू है? महंगाई है मेन और अगर कहीं पीटीआई ने महंगाई खत्म कर दी अगले 1.5 साल में तो फिर नहीं करेंगे ही नहीं अगर होगी तो फिर वोट देंगे पीटीआई नहीं फिर भी नहीं क्यों आपको तो मसला सॉल्व कर दिया उन्होंने नहीं नहीं फिर कोई और मसला है ना सिर्फ महंगाई नहीं है महंगाई मसला है मेन और ठीक है और उसके अलावा महंगाई मसला ठीक है बात हुई अगर उन्होंने महंगाई सॉल्व कर दी तो फिर तो आपका मसला उन्होंने हल कर दिया इतने सालों से नहीं हुई तो अब कैसे होगी नहीं मगर अगर हो गई तो फिर या तो कोई और मसला आप बताएं आप कह रही सिर्फ महंगाई का मसला है मुझे तो फिर उसके बाद तो मतलब पहले ये तो हो ना फिर देखते अगर हो गया तो फिर क्या करेंगी आप होगा ही नहीं मुझे ये अजीब आप अगर कोई और आपको हो कि आपको उनका गवर्नेंस स्टाइल पसंद नहीं है आपको कोई और इश्यूज उनके रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर है रनिंग ऑफ द कंट्री के अंदर है या फिर आपको वैसे शहबाज शरीफ सब याद आते हैं तो ये और मसले ऐसा ही है शहबाज शरीफ सब याद आते क्योंकि मेरी सारी फैमिली जो है वो उनको सपोर्ट कर रही है तो मैंने शुरू से ये चीज क्या याद आता है शहबाज शरीफ साहब का बताएं कभी मैं वैसे उनसे मिली नहीं हूँ लेकिन मेरे फादर को वो बहुत पसंद है फादर को बहुत पसंद है और क्या कहते हैं फादर क्या करते थे शहबाज शरीफ साहब जो याद आते हैं जीते हुए हैं पहले हार गए थे फिर उसके बाद आई थिंक वो जीत गए पहले इमरान खान साहब से हारे थे नहीं ओरिजिनल जो इलेक्शन था उसमें तो ही लॉस्ट कोई 1000 वोट से 2000 वोट से हारे थे फिर इमरान खान साहब ने वो सीट खाली कर दी फिर दोबारा इलेक्शन हुआ वो भी पहला इलेक्शन भी ख्वाजा साद रफीक साहब जीते हुए थे गिनती अच्छा। बट कुछ एक ग्रो ने उनको वो कम कर दिया था उनका जो गिनती है जैसे वो सही फरमा रहे हैं एक गल तो उन्होंने सही लगी बाकी तुसी इग्नोर कर दी जो है ना वो जब दोबारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ अच्छा तो ख्वाजा साद 2018 वाला फ्री एंड फेयर नहीं था नहीं आपके सामने है नहीं मेरे सामने मैं सिर्फ तो पूछ रहा हूँ फ्री एंड फेयर होता है तो आज आवाम सड़कों पर ना होते अच्छा मगर उस सारे में तो आप भी जीते थे फ्री एंड फेयर नहीं था वो आपको नहीं पता कि जहाँ पे ये थोड़ा मार्जिन था वहाँ पे इन्होंने सीटों को वो नुकसान अच्छा थोड़े मार्जिन वाले में अल्लाह ताला के फजल से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये मेरा 3रा टिकट है एमपीए का और ये मेरी 17,000 की इस इलेक्शन में लीड थी ओए होए वाह 17,000 की लीड और यहाँ पे तो फिर नहीं हो सकता था कुछ यहाँ पे माइनर और मीगर था फर्क उसमें वहाँ पे उन्होंने कर दिया ये आप लोगों का मानना है कि ऐसा हुआ मगर अब आप खेल के से नून लीग के जीते आपके वाले सब अब तो बहुत खुश होंगे जी दुकान ढा के मैं अंडरपास बनावांगा चल साहब आप देखें जिस तरह वो डेंगू का जिक्र हुआ और COVID-19 का जिक्र हुआ यहाँ पे तो आप देखें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी याद ताजा करें आप माजी में जाएं तो मैं आज भी असेंबली में मौजूद हूँ पंजाब असेंबली में जहाँ पे वज़ीर आला पंजाब इस वक्त जो मौजूदा वज़ीर आला हैं उनकी हमें गुमशुदगी और गुमनामी के इश्तिहार देने पड़ रहे हैं मियां शहबाज शरीफ साहब के बारे में तो ये नारा लगाते थे या उनकी ये बदनामी करते थे कि मियां साहब असेंबली में नहीं आते बट वो आपको कहीं किसी सड़क पर किसी गली में जैसे आपने वो फरमाया कि बूट अगर पहन के जाते थे तो वो सैलाब में जाते थे तो अब जो मौजूदा वजीर आला साहब हैं वो तो हमें नजर बजट सेशन में जो साल में एक दफा होता है बजट सेशन में जरूरी और मजबूरी ये है कि जो हाउस के जो चीफ मिनिस्टर लीडर ऑफ द हाउस उसके बगैर वो अप्रूवल नहीं होती और
वो वजीर आला साहब उधर तशरीफ लाते हैं साल में एक दफा, मगर देखें बात यह है कि जब तो ये इनके पास आप नहीं देखने वो करते सर, मगर बात उनका, उनके पास उनके पास आवाम के लिए टाइम नहीं, मगर देखें पहली बात तो ये कि जब शहबाज शरीफ साहब का दौर था आप लोग बहुत ज्यादा तादाद में थे, मेजोरिटी आपकी थी, ठीक है। अब इस दौर में बहुत एक क्लोज कॉल है आपके भी और उनकी तादाद बहुत क्लोज किस्म की है, तो अब अगर आते हैं बुज़दार साहब और आप लोग आगे से उनको छेड़ते हैं तो वो क्यों आएंगे? चौसा की लड़की ने वजीरे आला पंजाब है मुझे कुछ यूं नजर आने लगा है वो बिजली महंगी करवाने लगा है, एक अरसे से कुछ लोगों का कहना बहुत जल्दी वो घर जाने लगा है, जो कहता था कि घबराना नहीं है वो शायद खुद ही घबराने लगा है। आहो आहो आ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मारिया ये बताएं आपकी माशाल्लाह हाइट भी बहुत ज्यादा है जी, क्या हाइट है आपकी? 5'9" है और उसके बाद आपने ये हीले भी पहनी हुई है जी। तो आप तकरीबन इस वक्त 6 फुट की बुलंदी पर वास कर रही हैं। और बहन भाइयों की और किसी की भी है? जी सबकी है। ताड़ा तो छत भी 22 फुट ते होना। हाँ जी। अच्छा ऐसा ही है, मर्द हजरात की तो आपसे भी ज्यादा होगी। हाँ जी। अब बात ठीक है, सुकून ना चपेड़ा खा सकते। तो ये आपके लिए एडवांटेज रहा है हाइट आपकी, या आपको लगा कि इसके ऊपर डिसएडवांटेज रहा है? मुझे नहीं, हाइट मेरे लिए एडवांटेज है बहुत। लेकिन हाइट आपकी जितनी मर्जी ज्यादा, लेकिन खूबसूरत आप उससे भी ज्यादा। थैंक यू। मैं लाहौर में इतनी खूबसूरती मैंने कभी जिंदगी में। अच्छा। बड़ी प्यारी है माशाल्लाह। थैंक यू। और कभी ऐसा लगा हो कि आपको आपसे भी ज्यादा कोई खूबसूरत लगा हो? मुझे निकाल के आपको डाल के भी नहीं लगा। एक आइडियल भी तो होता है ना। मुझे छोड़े आप, मेरी मैं आपकी जिंदगी से निकल गया हूँ, आप और किसी का बताएं? नहीं, कोई भी नहीं, कभी भी नहीं लगा। मलक साहब वाले देख लो एक बार, एकदम में इन गलों से वो भी बेसको ठीक करने लगे। वो पूछना चाह रहे हैं कि आप जब शादी का फैसला करेंगी तो ये जानना चाह रहे हैं कि आप किस तरह का शौहर, अपना लाइफ पार्टनर किस तरह का चाहती हैं? क्या आइडियल होता है उसमें, क्या कैसा दिखता हो? तो नहीं मैंने सोचा ऐसा कुछ। अच्छा ये देखिए मेरी बात सुने, क्योंकि मैं भी अभी अनमैरिड, शादी चाहे अभी नहीं हुई, सोचा होता है कि ऐसी चाहिए, ऐसा होना चाहिए जी। आपने सोचा तो होगा, मुझे निकाल के। एक तो ये कि आपको आई एम श्योर होगा कि हाइट तो ज्यादा लंबी होनी चाहिए जी, है ना, ये इतना एक बेसिक होगा। लेकिन मैं तो 5'7" हूं, मैं तो निकल गया। आप तो वैसे भी नहीं है। हाँ। अच्छा, मैं वैसे ही नहीं हूं। आप हैं ही नहीं। मैं इस दुनिया के नहीं हूं। मैं सिर्फ तुम्हें सुनेहा देना है, कहता मैं है ही नहीं। आप तो नहीं है, मगर हाइट होनी चाहिए। हाइट एक बहुत जरूरी चीज है, कोई 6 फुट तक तकरीबन हाइट। हाँ, तो कम से कम 6 फुट का सर जी होगी तो ये तो हील पहनती है तो ये बराबर चले जाएंगे, तो वो मैनेज हो जाएगा ना भाई, हो जाएगा मैनेज। हाँ क्यों मलिक साहब, है ना, इतना तो हो सकता है मैनेज। नहीं मैं इस गेम में हूँ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मैरिड हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुझे तो कोई जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। गेम में तो हम भी नहीं, मैं तो आपसे सिर्फ पूछ रहा था कि हाइट वैसे 6 फुट हाइट होनी चाहिए, आपसे इतनी राय पूछी। मेरी चूंकि ये हाइट नहीं, इसलिए मैं इस पे भी कम्पीट नहीं करता ना। सर कम्पीट करना भी नहीं है आपने, आपने सिर्फ एक राय देनी है कि हाँ 6 फुट हाइट होनी। वो जिन्होंने चॉइस करना वो देना, वो तो कह रही है कि होनी चाहिए 6 फुट, ये मैटर नहीं है ना सर। तुम अपनी हाइट ना, तुम अपनी चौड़ाई दस दे। माशाल्लाह बेटा जो 20 साल का है, माशाल्लाह जबरदस्त, और मेरी बेटी 18 साल, 6 फुट है मेरे बेटे की, माशाल्लाह 6 फुट और 4 इंच हाइट। बस मजाकरात नहीं करना है, रिश्ता करना है। ये तो देखे 6 फुट 4 इंच माशाल्लाह, और अभी वो 20 साल का है, तो अभी यानी कि फिर 1-2 इंचेस और का मार्जिन है। लेकिन 6 फुट तो हो गया, लेकिन ये रिश्ता साहिवाल में है, नून लीग से ज्यादा नून लीग कहाँ मिलेगी आपको? तुसी मलिक साहब कहो ना कि मेरा बेटा मेरे तो प्यारा है। और आपका बेटा भी गालिबन नून लीग कहीं अंदर, हमारे तो खून में रची बसी है नून लीग, खून में रची बसी है नून लीग, और आप भी नून लीग की दीवानी, दो नून लीग सब। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब जो है, मैं जो यहाँ पे जो भी बैठा हूँ ना, मैं अपने ओनली ड्यू टू माई फादर, मेरे वालिद साहब का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से जाती तल्लक और जाती प्यार, जिसकी वजह से मुझे 3 दफा ठीक एमपीए का टिकट। नहीं नहीं सर, वो तो पक्की होगी, अब गालबन की तो बात ही नहीं है। गालबन तो है ये नून लीग उनते सट लगे थे, जाके डॉक्टर ने कह रहे 2 नून लीग दी बोतलां ला दे।
मेरे जिस्म दियां सारियां तारां ही खड़ गईयां कुपकुपी मेनू लग गई सी सो आई वेंट टू द डॉक्टर उन्हें क्या दवाई भी खाओ बट साथ तुम सूप पियो चिकन सूप पियो मैं क्या किचो पियो जब से इमरान खान की हुकूमत आई है कुकरी जो है वो तो पकड़ाई नहीं दे रही मैंने मल्ले में बड़ी कोशिश की है वो नहीं पकड़ाई दे रही उसने कहा फिर उधर जाके तुम रेहड़ियाँ लगी हुई हैं वहाँ से उत्थे मैं गया उत्थे लाइना लगी हैं ने एक रेहड़ी ते 350 बंदा मैं फिर रेहड़ी वाले कान च किया मैं क्या अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारे साथ छिया लगा लूँ कहता मेरे पास रेहड़ी है सब कुछ है मैं तुम्हें माल भी बना दूंगा बट तुम एक बर्नल लेके आओ चूल्हा और एक सिलेंडर लेके आओ उसके ऊपर हर चीज मैं तुम्हें दूंगा तुम जो भी बेचोगे पैसे अद्धे अद्धे होंगे अच्छा मैं कहा दिस इज गुड सो आई वेंट टू द दुकान थे उन्हें कहा बर्नल तो आपको मैं दे दूंगा 3,700 का पड़ा है मेरे पास न्यू ब्रांड अच्छा बस सिलेंडर लेके आओ 7,000 का सिलेंडर है वो हमें 10,700 रुपये मेरे गल पै गया बट कमावगा शाम जिन्ने पैसे दे दे ठीक है हाँ अज तो समझो 30,000 रोज का 1,500 मेरा ठीक है किन्ने 10,700 100 रुपया ले मैं तेन देना तू उन्हें रजेन से बना ना लैन नहीं 10,700 रोज 30,000 कमाओगे सर साहिवाल का कोई भी बंदा 20,000 तो कट उन्हें जिंदगी च नहीं दिता मलिक साहब मैं साहिवाल कितने जावा मलिक साहब जी ग्रेट चेहरे तो लग रहा है कि हुकूमत नहीं मुस्लिम लीग नून का बंदा होवे ते हेल्प ना करे ए नहीं हो सकता अच्छा मियां साहब द ग्रेट मैन ओ वोटां पा के ते मियां साहब नु बुलाओ मियां दे नारे वड्डे नहीं वड्डे नहीं दोबारा रंग सजने ही सजने ओ वोटां पाओ कुछ पाओ ओ वोटां पा के ते मियां साहब नु बुलाओ मियां शबाश शरीफ साहब जिंदाबाद तुस्ते कहने मैं प्रोग्राम बहुत वेखदा मियां साहब का दीवाना होवे ते हेल्प ना करे नो होवे मियां नवाज शरीफ के नाम पे तो जितने चाहिए दे सकते नवाज शरीफ साहब जिंदाबाद वेलकम बैक टू मुज़ाकरात मारिया ये बताएं तो आपको एक्टिंग वगैरह का भी है शौक या सिर्फ मॉडलिंग तक ही है ये नहीं मुझे एक्टिंग का शौक है और क्या कोई फेवरेट एक्टर्स हैं आपके हाँ माहिरा खान है मेरी बहुत माहिरा खान आपको बहुत पसंद है उनके साथ काम करना चाहेंगी आप जी बिल्कुल मुझे चांस मिले तो मैं जरूर करूँगी और कोई और एक्टर्स जिनके साथ आप सोच रहे अशरफ इमरान अशरफ तो इमरान अशरफ और मायरा खान के साथ अगर कोई ड्रामा या फिल्म कोई भी कुछ भी मिल जाए कुछ भी और उसके अंदर कोई है ट्रायंगल स्टोरी हो मायरा खान इमरान अशरफ और आप इस तरह का कोई ड्रामा करना चाहेंगी या किस किस्म के ड्रामे आपको वैसे पसंद है मुझे इमोशनल ज्यादा मतलब खून खराबे वाले नहीं नहीं खून खराबा नहीं बस ये मेरे ख्याल से बेहतरीन लगेगा लव ट्रायंगल हो नहीं लव ट्रायंगल ना हो क्या नहीं ऐसा ना कुछ ट्रायंगल और किस किस्म का हो थ्रिलर हो फ्रेंड्स हो फ्रेंड्स हो हाँ. आप दोनों को इमरान अशरफ से मोहब्बत हो ऐसा ही होता है इस तरह की कहानी में मोहब्बत ना हो मोहब्बत ना आप दोनों को इमरान अशरफ से नफरत हो हाँ. दोनों मिलके प्लान बनाए कि इमरान अशरफ को हमने कैसे यू नो सफाया करना है उसका नहीं मगर आप ये सोचें कितना जबरदस्त प्लॉट होगा कि मायरा खान और ये इकट्ठे मिलकर प्लान बना रही है कि इमरान अशरफ से जान कैसे छुड़ानी है हमने क्योंकि मल्ले च मैं रहता हूं उस ड्रामे में मोहब्बत मेरे ना हो और मैं वो ड्रामा ही ना करूंगा मैं सब ड्रामा क्यों नहीं करना चाह रही मुझे इतनी पसंद है मैं फैन ड्रामा बहुत करते हैं ना इसलिए वो देख चुकी हूं कह रही नहीं है उनका इस किस्म का पसंद उनको नहीं है सबके फैन है जो यहाँ आता है यहाँ बैठा होता है उसके फैन देखिए किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते आपको क्या पता वो किस मजबूरी में ये करता हो Yeah.
ਨਹੀਂ ਵੋ ਜਾਣੀ ਜੜਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜੜਾ ਕਦੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਲਰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਗੋਲੀ ਮੀ ਅਫਜ਼ਲ ਔਨੀਰ दोस्त सारी जिंदगी पंजाब में ही गुजार दोगे कभी हमारा भी टाइम गुजारना हमारे साथ कटे डाला हल्का हल्का सी पाला पहुंच गया यार बड़ा याद करते ने पुराने दोस्त ने ना मैंने कहते ने यार निर्गोली एक प्रॉब्लम हो गई है वो हाल करनी है तुम्हें मैंने कहा सर आर्डर लाओ असि दोस्त भी हैं तो थोड़े नौकर भी हैं मैंने कहते ने लियाकताबाद थाने में दो मुजरम फरार हो गए हैं डकैती के जरा जाके पता करो भी असल बात क्या है कटिया फिर डाला हालांकि पैर तो निकले असि छाला पहले गया इन अमर लियाकत साहब के घर उत्थे जाके मैंने याद आया मैं लियाकताबाद जाना सी फिर मैं नागन डांस करदा करदा लियाकताबाद मैं गया सचो मुहर्रर परेशान बैठे मैंने वेख के हल्का जहा चेहरे खुशी का आया ना कुछ चेहरा मैं की होया है वह कहते नहीं जी 24 अक्टूबर का वकुआ है हम मैच देख रहे थे पाकिस्तान और इंडिया का सारे एक कमरे में बैठे हुए थे तो दो डकैते की मुलजम अंदर बैठे हुए थे हवालात में रोशनदान तोड़ा और निकल गए मैं के पेटी बिरावां दे उत्ते मुसीबत बन गई है मैं के डोंट वरी पेटी बिरा नू बचाएगा ये भी जरूरी होंदा सर पेटी बिरा है निकल जांदे नौकरी तो मैनू अच्छा नहीं लगता गया फिर सीएम साहब को मारे सलूट मैं के सामने का माहौल एक्साइटेड हो तो पिछला मंजर भूल जाता है मैनू कहंदे ने क्या बात कर रहे हो कोई मिसाल पेश करो मैं के सर आपको याद होगा पीटीआई और नून लीग दोनों का जब मैच चल रहा था तो पीछे से टिप्पी साहब निकल गए थे मैंने कहा तुम भी यहां से निकल के जाओ पंजाब यार उन्होंने छोटी सी गल बर्दाश्त नहीं हुई बिल्कुल हालांकि दोस्त ने भाई दोस्त की गल तो बर्दाश्त करनी चाहिए थी लिहाजा मैं अपने पेटी बिरा से बचा है ठीक है लेकिन उन्होंने थोड़ी जी मैं मुखालफत लाया कोई गल नहीं हो जाता नाले ओ मन ओ माशाल्लाह मलगर्शता हां मेरे दोस्त है ने साहिवाल अच्छा माशाल्लाह पहली बारी एमपीए बने ने नहीं यकीन आया दूसरी बारी बने ने हां जी मलगर्शता ने बड़े वोट देते ने ओए 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 सारे वोट इन्हें पा गए उन्हें क्या सानी लोड तुसी रखो हां जी दोबारा एमपीए बने ने और अगे सीएम बनेंगे अच्छा भाई सोचना तो चाहिए ना हमेशा अगली गल सोचनी चाहिए क्योंकि खिदमत कर देने 24 घंटे बनाओ सिगार तो है ही नहीं बिल्कुल ना 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 महल भी है जी अच्छा खुली सलवार लंबे पहुंचे कोई ऐसी गल नहीं तुसी सीएम तो कह रहे वजीर आजम बन सकते अगर जो आदम साहब की पार्टी ज्वाइन कर लो हाँ दो वोट हो जाएंगे ते अपना मैडम यस माशाल्लाह ऐसे ले टॉप मॉडल अच्छा जी सर की नाम है मारिया यूसुफ मारिया यूसुफ उवा 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 माशाल्लाह ते सर जी खैर ना लाए ने बात कर रहे हैं सर आज तुसी रोटी तो बगैर नहीं जाना जदों मैं गया रोटी खवाई ने अरे अच्छा जी नहीं सर आज तुसी नहीं जाना क्यों आज तुसी ले आके देनी मेहमान ने साडे प्यारे हैगे ने साडे दोस्त डिनर ले आके देना लंच ले आके देना सर कुछ भी होवे सी ते खा ही जाना तुसी नाश्ता भी ला दो इधर ले लंच ही हुंदा है मैडम जी कहना यू हैव ए वन सेल्फी प्लीज माशाल्लाह भी देखो ना आज मेहमान बड़े आला और प्यारे तुसी बुलाए ने भी देखो ना सादगी ची जीती जा रहे सादगी एडे सादे है ने मैं क्या दो तीन बारी कटाई वाले कुर्ते पाओ लेकिन नहीं वेलकम बैक जी तो 2020 का आगाज करते हैं ये बताएं कि स्टार्ट किससे करें उनसे कर लें मलिक साहब से करें पहले लें जी मलिक साहब सर ये बताएं लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं आप एक तीन लोग उसमें पहले से मौजूद हैं एक के साथ तस्वीर खिंचाएंगे एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है जो तीन लोग वो हैं उनके नाम हैं राणा रियाज अहमद नवीद असलम खान लोधी और मलिक नदीम कामरान तो ये बताएं कि तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे सबसे पहले राणा रियाज अहमद मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं मलिक नदीम कामरान और किसका फ्लोर आ गया है नवीद असलम खान लोधी लोधी साहब फ्लोर आ गया हुआ है ये बताएं सर चांद पर जा रहे हैं एक स्पेस रॉकेट के अंदर एक शख्स को साथ लेके जा सकते हैं लेकिन जिसको साथ लेके जाएंगे वो वहीं रह जाएगा आप उसको छोड़ेंगे आप वापस आ गए होंगे अलबत्ता कौन होगा वो जिसको छोड़ना चाहते हैं ऑप्शंस है राणा सनाउल्लाह और आबिद शेर अली डेफिनेट आबिद शेर अली होंगे आपको ये पता नहीं छोड़ साहब राणा सनाउल्लाह साहब मेरे मोहसिन है अच्छा फिर बनता है फिर आबिद शेर अली साहब आप वहीं पे चांद पे रहेंगे सर ये बताएं
टाइटैनिक पर जा रहे हैं, दो वीआईपी पास है आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर शीरी मजारी और फरदौस आशिक अवान साहब। मेरा ख्याल फरदौस आशिक अवान को उधर भेजना जरूरी है। भेजना जरूरी है, ठीक है। सर ये बताएं, इनमें से किसका फोन आए तो फौरन उठा लेंगे, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किसका फोन आए तो आप अपना फोन चुप करके बंद करके साइड पे रख देंगे? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो है जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और एहसन इकबाल साहब। तो फौरन किसका फोन उठाएंगे? शाहिद खाकान अब्बासी साहब। किनको मैसेज पे जवाब दे देंगे? एहसन इकबाल साहब। और किसका है तो बंद करके साइड पे रख रहे हैं? ख्वाजा आसिफ साहब, ठीक है जी। मारिया, आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है राणा सनाउल्लाह और फयाजुल हसन चौहान। राणा सनाउल्लाह, ठीक है। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, तीन लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना कि फ्लोर आ गया। ऑप्शंस हैं फवाद खान, अली जफर और फहद मुस्तफा। तो सेल्फी किसके साथ है? फवाद खान। स्माइल किनको दे रही हैं? फहद मुस्तफा। और किसका फ्लोर आ गया? अली जफर का, ठीक है। ये बताएं, मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज गिल और जनाब फयाजुल हसन चौहान। शहबाज गिल साहब आप होंगे वो। आप भी टाइटैनिक पर हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगी टाइटैनिक पर अपने साथ? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत और जनाब उस्मान बुज़दार साहब टाइटैनिक पर। डूबती कश्ती में सवार, दो लाइफ जैकेट, एक अपनी दूसरी देकर किसी की जान बचानी है, किसको देंगी वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मियां शहबाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज को लाइफ जैकेट मिल गई है, शहबाज शरीफ साहब नहीं ले पाए। मलिक मोहम्मद अरशद साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो। मारिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।